वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वीडियो से जाके देख सकते हो, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है कि ए कॉन्टूर लाइंस ज्वाइंस लोकेशंस हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। द फॉलोइंग इज ए कॉन्टूर प्लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। कॉन्टूर लाइंस आर शोन एट 25 मीटर इंटरवल्स इन दिस प्लॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीपेस्ट पाथ लीविंग फ्रॉम पी। ठीक है, जो लाइंस है ना, इन्होंने बोला है कॉन्टूर लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन हैविंग सेम हाइट। मीन्स जैसे कोई भी लाइन है, ये वाला लाइन है, मतलब इस लाइन पे क्या है, सेम हाइट है मीन सी लेवल से। जैसे इस लाइन पे 500 है, ठीक है, कोई भी ये वाला लाइन है, इसकी हाइट कितनी है, 575 है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि कोई भी दो लाइन, इसका और इसका, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 25 mm। मतलब ये अगर 575 है, ये 550 है, ये 525 है, ये 500 होगी, ये 475 होगी, ठीक है। उसी तरह देखो, पी 575, 500, 525, सॉरी 550, 525, 500, यहाँ पे हो जाएगी 475, फिर 400, 425, इस हिसाब से। फिर उन्होंने बोला कि पी से कौन सा पाथ स्टीपेस्ट पाथ है ना, मतलब या तो बहुत ज्यादा एकदम चढ़ाई हो जाए ज्यादा, या उतार, ठीक है। तो अगर मैं पी देखें, पी जो है 550, सॉरी 575 पे, ठीक है, इसके अंदर आता है। अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू जो है देखो 575, यहाँ तक 500 आ गया ना, तो 475, ठीक है। पी क्यू आर, आर की अगर बात की जाए, देखो 450, 425, 425 से भी नीचे, 425 से भी नीचे, या फिर हम बोल देते हैं इसको 400, ठीक है, कि 400 वाला लाइन से ऊपर होगा, 425 से नीचे। और अगर हम बात करें एस की, एस कहाँ पे है, तो ये हो गया 575, 500, 525 से ऊपर, ठीक है। तो अगर देखो पी से बहुत एकदम नीचे कौन सा पॉइंट है, आर, ठीक है, तो पी टू आर जो होगा स्टीपेस्ट पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 मेन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 2 वीक्स। 900 मेन एंड 250 वुमेन कैन विल टेक 3 वीक्स टू बिल्ड द सेम ब्रिज। हाउ मेनी मेन विल बी नीडेड टू बिल्ड द ब्रिज इन 1 वीक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, नॉर्मली हम डेज या आवर में देखते हैं, जो भी टाइम एंड वर्क, यहाँ पे देखो वीक की बात की हुई है, तो हम एफिशिएंसी वीक के हिसाब से निकालेंगे कि एक बंदा और एक वुमेन और एक मैन एक वीक में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वीक में चलता रहेगा। तो क्या करते हैं हम, मैन की एफिशिएंसी जो है सपोज करो एक्स है, मींस ये एक्स यूनिट काम करते हैं पर वीक, है ना, एक वीक में एक बंदा, ठीक है। वुमेन की एफिशिएंसी है वाई यूनिट, ये वाई यूनिट काम करते हैं पर वीक में। तो अगर हम पहले देखें कि 1200 मैन, अगर एक आदमी एक दिन में एक्स काम करता है, तो 1200 आदमी एक दिन में 1200 एक्स काम करेंगे, ठीक है। प्लस अगर एक वुमेन एक दिन, सॉरी एक दिन नहीं, सॉरी 1 वीक, वीक की बात चल रही है ना, वीक पर वीक, तो एक बंदा एक वीक में एक्स यूनिट काम करता है, तो 1200 लोग एक वीक में 1200 इंटू एक्स काम करेंगे। उसी तरह एक वुमेन एक वीक में वाई यूनिट काम करती है, तो 500 वुमेन एक वीक में 500 वाई काम करेंगी, ठीक है। और इनको काम पूरा करने के लिए कितने टाइम लगा, 2 वीक, तब जाके हमारा एक काम पूरा हुआ, ठीक है। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1200, 2400 एक्स प्लस 1500 वाई इज इक्वल, सॉरी 1500 नहीं, हजार, हजार वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है कि 900 मैन और 250 वुमेन, मतलब 900 मैन इतना काम कर देंगे एक वीक में, और 250 वुमेन 250 वाई काम कर देंगे एक वीक में,
और कितने वीक काम कर रहे हैं, इंटू 3 वीक, तब जाके कोई हमारा एक काम पूरा होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2700 एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 750 वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों इस इक्वेशन को हम बोथ साइड डिवाइड कर दें 4 से, इसको 3 से, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 600x आ गया प्लस यहाँ पे 250 y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सेकेंड को मैंने डिवाइड किया 3 से, ताकि यहाँ पे 900x आ गया, यहाँ पे तो 250 ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3। और एक चीज ये देखो, इन्होंने क्या पूछा है कि मैन कितने दिन में बनाएंगे, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली एक्स निकाल लेते हैं, है ना। कभी भी यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो जो वेरिएबल पूछा है अगर हम वही निकाल लें ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सपोज कर हमें वाई पूछा होता तो इस तरीके से हम करेंगे कि एक्स कट जाए, क्योंकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा उससे। तो हम, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, इसमें से ये माइनस कर देते हैं ना, तो 900x माइनस 600x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, यहाँ पे 300x इज इक्वल टू ये आएगा 12, 4 - 3 1/12, ठीक है। तो x जो आ गया हमारे पास वो आ गया 1/36, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक बंदा, ठीक है, एक मैन एक वीक में कितना काम करता है, 1/3600, ठीक है, ये एफिशिएंसी होगी। तो ऑब्वियसली अगर हमें एक ही वीक में काम करना है, ठीक है, तो कितना लोग लगेंगे, 3600, 3600 मैन लगेंगे, हर मैन एक वीक में एक्स काम करता है, तब जाके वो 1 के इक्वल आएगा ना, तो कितना आ गया, 3600, ठीक है, 1 वीक का बोला है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हैज बीन मैरिड एट मोस्ट वंस, है ना, एक ही शादी हुई है, एट मोस्ट वन मतलब मैक्सिमम एक शादी, ज्यादा तो शादी हुई नहीं है। एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल, एक्स वाई मैरिड कपल है, ठीक है, ये मैरिड है, एंड हैव टू चिल्ड्रन पी एंड क्यू, तो इनके बच्चे हैं पी एंड क्यू, जेड इज ग्रैंड फादर ऑफ डॉटर एस ऑफ पी, तो पी की क्यों डॉटर है एस, ठीक है, उसका ग्रैंड फादर जो है जेड है, तो इसका मतलब क्या है, जेड अगर ग्रैंड फादर, देखो ये एक्स भी तो उसका ग्रैंड फादर है, जेड भी है, मतलब ऐसा होगा कि नाना और दादा वाला होगा, या तो हो सकता है एक्स नाना हो जेड दादा हो, एक्स दादा हो जेड नाना हो, ठीक है, ग्रैंड फादर बोला है हमें पता नहीं है, तो जेड है, इसका मतलब पी जो है, जेड जो है पी का ससुर हो गया, ठीक है। और आगे देखें तो जेड एंड डब्ल्यू आर मैरिड, जेड और डब्ल्यू की शादी हुई हुई है, ठीक है, एंड पेरेंट्स ऑफ आर, जेड का पेरेंट्स आर के पेरेंट्स है। अब देखो इसमें किसी में भी ना जेंडर जेंडर नहीं बताया, देखो हमें पता है सिर्फ जेड मेल है क्योंकि वो ग्रैंडफादर है, एस फीमेल है ना, उसके अलावा हमें किसी का कुछ नहीं पता चल रहा। तो उन्होंने क्या बोला है, और अब देखो एक्स वाई हो गए पी के मां बाप, ये चीज हमें पता चल रही है, और जेड डब्ल्यू हो गए पी के सास ससुर, ठीक है। तो अगर जेड डब्ल्यू पी के सास ससुर हैं और इनका बेटा या बेटी आर है, इसका मतलब पी और आर में शादी हुई होगी, है ना। ये नहीं पता हमें कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है, ठीक है, बट हमें ये पता है कि पी और आर की शादी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इन्होंने क्या बोला है, एक्स इज मदर इन लॉ ऑफ आर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का नहीं पता है मेल है फीमेल है, ना हमें आर का पता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है एक्स एंड वाई आर मैरिड एंड जेड एंड डब्ल्यू आर पेरेंट्स ऑफ आर, ठीक है, तो ये गलत है, मतलब सॉरी इन्होंने पूछा क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, इन्होंने क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नेसेसरी बी फॉल्स, कौन सा पक्का फॉल्स होएगा, तो मतलब ए जो है वो सही हो सकता है, एक चांस है, ठीक
ठीक है, ना हम बोल सकते कि पक्का गलत है, ना हम बोल सकते पक्का सही है, ठीक है। बी क्या है, पी एंड आर नॉट मैरिड टू इच अदर, ये पक्का गलत है क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है कि पी और आर की शादी हुई है, ठीक है। सी ऑप्शन है, पी इज सन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक चांस है ना, ये इनका बेटा होगा या बेटी होगी, तो ये हम कह सकते हैं कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम पक्का नहीं पता कि गलत है या नहीं है, ठीक है। क्यू जो है, क्यू नॉट, क्यू कैन नॉट बी मैरिड टू आर, ये हमें पक्का पता है कि क्यू की शादी नहीं हुई आर से, पी की हुई है, तो हम डी हमें पक्का पता सही है, ठीक है। ए और सी हमें पक्का नहीं पता कि सही है गलत है ना, सही हो भी सकता है गलत, बट बी हम 100% श्योर हैं कि ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स सच दैट डिजिट वन इज नेवर टू इमीडिएट राइट ऑफ टू, ठीक है। तीन डिजिट नंबर, सबसे पहले देखो तीन डिजिट नंबर टोटल कितने हो गए, वो हो गए 999, ठीक है, मैक्सिमम नंबर इतना है, माइनस 99 कर दूंगा तो सारे हो गए 900 नंबर हैं टोटल, तीन डिजिट के नंबर जो है टोटल 900 हो गए। अब इन्होंने बोला है ऐसे नंबर जिसमें वन जो है टू के इमीडिएट राइट में ना हो, यानी कि जैसे 212, ये हमें नहीं चाहिए है ना, ऐसे कितने, तो हम क्या करते हैं, पहले हम वही नंबर फाइंड कर लेते हैं जिसमें यहाँ पे वन जो है इमीडिएट है राइट के टू के, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो सपोज करो टू यहाँ पे वन यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 10 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसा यहाँ पे 1 2 का राइट हो सकता है, तो सपोज करो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता बिकॉज फिर ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 0 के अलावा 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब 9 नंबर ऐसे ये वाले होंगे, तो टोटल 3 डिजिट वाले 19 नंबर ऐसे हैं जहां पे 1 जो है 2 का इमीडिएट राइट है, तो 900 में से कितने माइनस कर दें हम, 19 नंबर ऐसे हैं जहां पे 1 2 के इमीडिएट राइट है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 881, ठीक है, 881 ऐसे नंबर आएंगे जहां पे 1 2 का इमीडिएट राइट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी दैट के डिजिट नंबर डजंट कंटेन डिजिट 0 5 और 9, ठीक है, तो कोई के डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता कितने डिजिट है, ठीक है, कोई नंबर उसमें के डिजिट है, 1 2 3 अब तो के, ठीक है, अभी हमें 0 5 9 नहीं यूज करना, मतलब इसका मतलब है 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पहले नंबर पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 7 केस बनेंगे, मतलब 7 बाय 10, ठीक है, दूसरे के लिए भी 0.7, तीसरे के लिए भी 0.7, अप टू kth के लिए 0.7, तो कितने केसेस आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.7 की पावर k, ऑप्शन सी, ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे डाउट पूछ लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।